ओम शांति। 10/9/2021 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो, जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। प्रश्न: छोटे छोटे बच्चे बाप की समझानी पर अच्छी रीति ध्यान दें तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? उत्तर: स्पिरिचुअल लीडर का। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाएं, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें और दूसरों को समझाएं तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। गीत: छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया, बाप ने रिस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आप फिर से रावण राज्य में आ जाओ। अक्षर भी है ना, फिर से माया का परछाया पड़ा है। माया कहा जाता है रावण को, तो पुकारते हैं रावण राज्य आ गया है, इसलिए अब फिर से आ जाओ। रावण के राज्य में यहाँ बहुत दुख है। हम बहुत दुखी पाप आत्मा बन पड़े हैं। अभी बाप प्रैक्टिकल में है। बच्चे जानते हैं, फिर से वही महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। बाप ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं, बुलाते भी हैं। हे निराकार परम पिता परमात्मा, निराकार से आकार साकारी रूप लो, रूप बदलो। बाप समझाते हैं, तुम भी वहां के रहने वाले हो, ब्रह्म महतत्व व निराकारी दुनिया में। तुमने भी रूप बदला है, यह कोई नहीं जानते हैं। जो आत्मा निराकार है, वही साकार शरीर धारण करती है। वह है निराकारी वर्ल्ड। यह है साकारी दुनिया और वह है सटल वर्ल्ड, आकारी दुनिया। वह अलग है, तुम्हारी बुद्धि में है। हम शांति धाम व निर्वाण धाम से आते हैं। बाप को जब पहले पहले नई रचना रचनी होती है तो सूक्ष्म वतन को ही रचेंगे। सूक्ष्म वतन में अभी तुम जा सकते हो, फिर कभी जाने का नहीं होता। पहले पहले तुम वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, सीधे आते हो। अभी तुम सूक्ष्म वतन में आ जा सकते हो, पैदल आदि जाने की बात नहीं है। यह साक्षात्कार होता है तुम बच्चों को। मूल वतन का भी साक्षात्कार हो सकता है, परंतु जा नहीं सकते। वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो सकता है, जा नहीं सकते, जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं। तुम ऐसे नहीं कह सकते कि हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं। तुम साक्षात्कार कर सकते हो। शिव बाबा और दादा तुम बच्चे हो। शिव बाबा और दादा और तुम बच्चे हो। तुम बच्चे कैसे नई नई रूहानी बातें सुनते हो? यह बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। भल कहते हैं इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड, परंतु यह पता नहीं कि वह कैसी होती है। पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते तो निराकारी दुनिया को फिर क्या जानेंगे? बाप पहले पहले आकर आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। तुम आत्मा हो, फिर रूप बदला है, अर्थात निराकार से साकार में आए हो। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे भोगती है। वह सारा पार्ट आत्मा में रिकॉर्ड मुआफिक भरा हुआ है। पहले यह बातें सुनाते थे, बाप कहते हैं अभी तुमको गुहे रमणीक बातें सुनाता हूँ जो तुम आगे नहीं जानते थे, वह अभी जानते हो। नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती जाती हैं, इसलिए दूसरों को भी झट समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन यह ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाता है, यही फिर दैवी झाड़ बनता है। यही फिर दैवी झाड़ बनना है। ब्राह्मण ही वृद्धि को पाएंगे। देखने में कैसे छोटे आते हैं, जैसे वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया देखते हैं तो कितनी छोटी दिखाई पड़ती है। वास्तव में इंडिया है कितनी बड़ी, वैसे ही ज्ञान के लिए कहा जाता है।
मन मनाभाव अर्थात अल्प को याद करो। बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा निकलता है, तो यह ब्राह्मण कुल भी छोटा है, वृद्धि को पाता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। 84 जन्मों की सीढ़ी तो बहुत अच्छी है। बच्चे समझा सकते हैं, जो 84 जन्म लेते हैं वही आकर समझते हैं। फिर कोई 84 कोई 80 भी लेते होंगे, यह तो समझते हैं कि हम इस दैवी कुल के हैं, हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे। अगर नापास होंगे तो फिर देरी से आएंगे, सभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे। फल बहुत ज्ञान लेते रहते हैं, परंतु इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। जाएंगे इकट्ठे, आएंगे थोड़े थोड़े, यह तो समझ की बात है ना। सब कैसे इकट्ठे 84 जन्म लेंगे, बाप को बुलाते ही हैं, बाबा फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ। तो सिद्ध होता है जब महाभारत लड़ाई होती है उस समय ही आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं, उनको ही राजयोग कहा जाता है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कल्प कल्प 5000 वर्ष बाद बाबा हमको आकर ज्ञान देते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना। यह कहां से आए फिर कहां गए जानते नहीं हैं। बाप समझाते बच्चे, यह रावण का की परछाया जो पड़ी है, अब ड्रामानुसार रावण राज्य खत्म होना है। सतयुग में है राम राज्य और इस समय है रावण राज्य। अभी तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया है वह इस दुनिया में किसको है नहीं। हमारी यह नई पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। गीता में कृष्ण का नाम लिखा है, वह तो पुरानी बात हुई ना, तुम अभी नई बातें सुन रहे हो। कहेंगे यह तो कभी सुना नहीं, शिव भगवान उवाच, हम तो कृष्ण भगवान उवाच सुनते आए थे। तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू सुनते हो। यह सब जानते हैं कि भारत प्राचीन है, परंतु कब था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चला, इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ चले गए, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। क्या हुआ जो इन्हों का राज्य खत्म हो गया, किसने जीत पाई, कुछ भी समझते नहीं है। वो लोग तो सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं, यह हो नहीं सकता कि लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष राज्य किया होगा। फिर तो सूर्यवंशी राजाएं ढेर हों, किसका भी तो नाम है नहीं, 1250 वर्ष का किसको पता नहीं है। फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ तक चला यह भी किसको पता नहीं, तो फिर लाखों वर्ष का पता किसको कैसे पड़ सकता है। किसकी भी बुद्धि काम नहीं करती है। अभी तुम छोटे छोटे झट समझा सकते हो, यह बहुत सहज भारत की कहानी है, सारी स्टोरी है। सतयुग त्रेता में भी भारतवासी राजाएं थे, अलग अलग चित्र भी हैं, यहाँ तो हजारों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं यह है ही 5000 वर्ष की कहानी। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डिनायस्टी थी, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। छोटी छोटी बच्चियां इतना थोड़ा भी बैठ समझाएं तो समझेंगे, यह तो बहुत अच्छी नॉलेज पढ़ी हुई है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर और कोई के पास है नहीं। तुम कहेंगे हमको भी स्पिरिचुअल फादर ने आकर बताया। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, आत्मा ही कहेगी कि हम फलाना बनते हैं। सेल्फ को मनुष्य रियलाइज नहीं करते हैं, हमको बाप ने रियलाइज कराया है। हम आत्मा 84 जन्म पूरे लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ समझाएं तो कहेंगे इनको तो बहुत अच्छी नॉलेज है, गॉड नॉलेजफुल है ना। गाते भी हैं गॉड इज नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड, परंतु कहाँ ले जाने वाला यह कोई नहीं जानते। यह बच्चे समझा सकते हैं, स्पिरिचुअल फादर नॉलेजफुल है। इसको ब्लिसफुल कहा जाता है। लिबरेट तब आकर करते हैं जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। एक रावण का राज्य होता है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। हेल को रावण राज्य कहा जाता है।
यह नॉलेज किसको बैठ सुनाओ झट कहेंगे या सबको चलकर सुनाओ, परंतु धारणा बहुत अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, और भी समझेंगे तो इस पर बहुत सर्विस कर सकते हैं। यह बच्ची भी जयंती बहन लंदन में वहाँ अपनी टीचर को समझा सकती है, वहाँ लंदन में यह सर्विस कर सकते हैं। दुनिया में ठगी बहुत है ना, रावण ने एकदम सबको ठग बना दिया है। बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य कितना समय चला, फिर फलाने संबत से इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आते हैं। वृद्धि होते होते वैरायटी धर्मों का झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। आधा कल्प बाद और धर्म आते हैं। ऐसी ऐसी बातें यह बैठ सुनाए तो सुनने वाले इनको कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल लीडर है, इनमें स्पिरिचुअल नॉलेज है, या फिर कहेंगी यह नॉलेज तो इंडिया में मिल रही है, स्पिरिचुअल गॉडफादर दे रहे हैं, वह है बीज रूप, यह उल्टा झाड़ है। बीज है नॉलेजफुल, बीज को झाड़ की नॉलेज होगी ना। यह वैरायटी रिलीजन का झाड़ है, भारत का डीटी रिलीजन इनको कहा जाता है। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर होता है राम सीता का राज्य, आधा कल्प यह चलता है, फिर बाद में आते हैं इस्लामी, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ऐसे जाकर यह बच्ची भाषण करे और समझाए कि यह वृक्ष कैसे इमर्ज होता है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम समझा सकते हैं। विलायत में तो और कोई है नहीं। यह बच्ची जाकर समझाए कि अभी आयरन एज का अंत है, गोल्डन एज आने वाला है, तो वे लोग बहुत खुश होंगे। बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए, छोटे बच्चों को मान बहुत मिले, छोटा कोई हिम्मत का काम करते तो उनको बहुत प्यार करते हैं। बाप को यह होता है कि ऐसे ऐसे बच्चे इसमें अटेंशन दे तो स्पिरिचुअल लीडर बन जाए। स्पिरिचुअल गॉडफादर ही बैठ नॉलेज देते हैं। कृष्ण को गॉडफादर कहना भूल है, गॉड तो है निराकार, हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, वह है बाप। सब आयरन एज में जब दुखी होते हैं तब बाप आते हैं, जब फिर आयरन एज होता है तो बाप को गोल्डन एज स्थापन करने आना होता है। भारत प्राचीन सुखधाम था, हेवन था, बहुत थोड़े मनुष्य थे, बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी, शांति धाम में थी ना। तो ऐसे समझाना चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं, यह तो कहानी है। कहानी खुशी से बताई जाती है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है उनको कहानी भी कह सकते हैं, नॉलेज भी कह सकते हैं। तुमको तो यह पक्की याद होनी चाहिए। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में सारे झाड़ का ज्ञान है जो मैं रिपीट करता हूँ। नॉलेजफुल बाप बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह जाकर नॉलेज देंगी तो कहेंगे आप औरों को भी बुलाओ। बोलो हाँ बुला सकते हैं, क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं कि भारत का प्राचीन योग, क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग क्या था जिससे भारत हेवन बना। वह कोई समझाए, अब सन्यासी क्या सुनाएंगे, स्पिरिचुअल ज्ञान सिर्फ गीता में है, तो वह जाकर गीता ही सुनाते हैं। गीता कितनी पढ़ते हैं, कंट करते रहते हैं, क्या यह स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह तो बनाई है मनुष्य के नाम पर। स्पिरिचुअल नॉलेज तो मनुष्य दे ना सके, तुम अभी फर्क समझते हो। उस गीता में और जो बाबा सुनाते उसमें रात दिन का फर्क है। दिया फादर ने और नाम डाल दिया है कृष्ण का। सतयुग में कृष्ण का यह नॉलेज है नहीं, नॉलेज फुल है ही फादर। कितनी अटपटी बातें हैं। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में थी तब तो नॉलेज है नहीं, कितना सूत मूंझा हुआ है। यह सब विलायत में जाकर नाम निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। बोलो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। गॉड हेवन स्थापन कैसे करते हैं, वह हेवन से फिर हेल कैसे बनता है, सो हम आपको समझाते हैं। यह बैठ लिखें, फिर देखें हम कोई पॉइंट भूले तो नहीं है, फिर याद करके लिखें। ऐसे प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे, तो नाम बाला हो जाएगा।
यहां से भी बाबा कोई को बाहर भेज सकते हैं। यह जाकर समझाए तो भी बहुत अच्छा है, 7 दिन में भी बहुत होशियार हो सकते हैं। बुद्धि में धारण करना है, बीज और झाड़ डिटेल समझानी है, चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हैं। सर्विस का शौक होना चाहिए, बहुत ऊंच मर्तबा हो जाएगा। नॉलेज बड़ी सहज है, यह है पुरानी छीछी दुनिया। स्वर्ग के आगे यह पुरानी दुनिया जैसे गोबर मिसल है, इनमें इनसे बास आती है। वह है सोने की दुनिया, यह है गोबर की दुनिया। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे, ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, वहां ऐसे विमान होंगे, फुल प्रूफ होंगे। यह खुशी बच्चों को अंदर रहे तो कभी भी कोई बात में रोना नहीं आए। तुम समझते हो ना कि हम प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे, तो तुमको क्यों नहीं अंदर में खुशी होनी चाहिए। भविष्य में ऐसे स्कूल में जाएंगे, यह करेंगे। बच्चों को पता नहीं क्यों भूल जाता है, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सतयुगी दुनिया को याद कर अपार खुशी व नशे में रहना है, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा, बाप जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है, स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। वरदान, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को 1 सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्माभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी स्वतः योगी सदा योगी कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी हैं। वह जब चाहे जितना समय चाहे अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। स्लोगन, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि